क्लास इलेवेंथ इंग्लिश के कई सारे चैप्टर्स एनिमेटेड तरीके से लाइन बाय लाइन स्वाहा कर देने के बाद अब हम आ चुके हैं अपनी पोएम दिलेबरम टॉप पे जिसको लिखने का कष्ट किया है टेड फ्यूक्स ने के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे टेंथ के साथ भी और टेंथ के बाद भी इस पोएम में यार सबसे पहले जान लो कि ये जो तेरा नाम है ना दिलेबरम टॉप इसमें लेबरनम एक ऐसे पेड़ का नाम है जो बहुत ही छोटा पेड़ होता है हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, लटकी हुई टहनिया और येलो फ्लावर्स होते हैं इसके और जो इसके सीड्स होते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं यानी जहरीले सीड्स होते हैं तो ये पेड़ है लेवनम और इसमें मेन कैरेक्टर इस पेड़ के साथ साथ एक और है छोटी सी चिड़िया जिसका नाम है गोल्ड फिंच और जिसके येलो फेदर्स होते हैं अब इस पोएम में क्या है बिल्कुल डिटेल में देखेंगे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पोएम देख लेंगे उसके बाद इसके पोएटिक डिवाइसेस जैसे कहां क्या यूज हुआ है सब कुछ और उसके बाद इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दे दिए हैं जो वेबसाइट पढ़ लक्ष्य डॉट कॉम और टेलीग्राम चैनल पढ़े पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे क्या हाल पढ़ लेके आएंगे आफ्टरनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट क्या मतलब देखो लेबनम टॉप इज साइलेंट मैंने बताया लेबनम क्या है अपना पेड़ तो जो लेबनम का टॉप है लेबनम का जो ऊपर वाला पार्ट है पेड़ का ऊपर वाला पार्ट वो बिल्कुल शांत है क्वाइट स्टिल यानी बहुत ज्यादा स्थिर है ये क्वाइट क्वाइट नहीं है शांत वाला ये क्वाइट है ज्यादा वाला क्वाइट स्टिल यानी बहुत शांत है बहुत स्थिर है इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट मीनिंग ये सेप्टेंबर का टाइम है और आफ्टरनून का टाइम हो रहा है दिन का दोपहर के बाद वाला टाइम आफ्टरनून का टाइम जब सनलाइट येलोइश होती है येलो कलर की होती है अ फ्यू देखो, येलो पर इस पोईम में काफी फेमस फोकस किया गया है क्योंकि लेबरनम जो फ्लावर जिसके येलो होते हैं फिर उसके बाद जो सनलाइट है उसको भी येलो बताया जा रहा है और अ फ्यू लीव्स येलोइंग यानी कुछ कुछ पत्ते येलो कलर की हो रही हैं जो ऑटम सीजन में होती है अगस्त सितंबर में ऑटम सीजन चलता है जब पत्ते येलो कलर के होने लगते हैं एंड ऑल इट्स सीड्स फॉल इन सारे के सारे सीड्स जो हैं वो गिर चुके हैं याद रखना सीड्स पॉइजनस हैं इसके तो एक सिंबॉलिक मीनिंग भी दे रहा है कि जितने भी पॉइजनस चीजें हैं सीड्स हैं वो गिर चुके हैं अब टाइम काफी अच्छा है ऑटम सीजन चल रहा है सेप्टेंबर का जब जो लेबेंडम टॉप है वो काफी शांत है पेड़ हमारा बिल्कुल शांत है और Afternoon का समय है, येलो सनलाइट आ रही है मतलब मतलब अरे वो बर्ड जो बताई ना जो छोटी सी बर्ड होती है गाना वाना गाती है मतलब बोलती है बर्ड के बोलने को हम बोलते हैं कि गाना गा रही है जैसे नहीं अब ये के येलो फेदर्स होते हैं, देखो यहां पर भी पे फोकस है तो जब वे येलो फेदर्स वाली छोटी सी बर्ड आती है तो बोला गया है कि जब यह बड़ आती है तब जितनी भी शांति है यह भंग जाती है ठीक है ना टिल दी गोल्ड फिंच कम्स जब तक यह बर्ड नहीं आती तब तक ही शांति है जैसे ही आई तो विध हर ट्विचिंग चिर तो यह एक ट्विचिंग चिरप के साथ आती है चिरप मतलब होता है बर्ड का साउंड जिसको चिरपिंग भी बोलते हैं और ट्विचिंग मतलब होता है जर्किंग यानी अचानक से वो चरप करते हुए आती है अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड यानी एक ब्रांच के एंड पे एक टहनी के एंड पे आके बैठ जाती है और एक सडननेस आता है यानी कि एक अचानकपन आता है अस्टार्टलमेंट यानी एक सरप्राइज आता है जैसे ये बर्ड आती है अरे तुम इमेजिन करो एक पेड़ है जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है वहां पर एक बर्ड अचानक से आएगी और चिरप करने लग जाएगी यानी कि बोलने लग जाएगी आवाज करने लग जाएगी तो ऑब्वियसली तो एक अचानक सा एक सरप्राइज आएगा सडननेस स्टार्टमेंट मतलब सरप्राइज देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड मतलब कि ये जो बर्ड है ये लिजर्ड जैसी स्लीक है छिपकली जैसी स्लीक है यानी बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड अलर्ट है अलर्ट भी है जो चिड़िया होती है तुमने देखा होगा यार तुम हल्का सा भी कुछ मारो कंकड़ या दाना भी डालोगे ना तुरंत ही मुड़ जाती है अलर्ट होती है और एबरप्ट यानी अनएक्सपेक्टेड है सडनली आई है सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप अब सुनो ध्यान से श्री एंटर्स द थिकनेस का मतलब है जो भी पेड़ का थिक डेरिया अभी तो बट कहां पर बैठी थी पता है ना यहां पे लिखा है एट ब्रांच एट ब्रांच एंड यानी ब्रांच के एंड पे बैठी टहनी के बट जैसे ही वो थिकनेस यानी कि अंदर जाती है जो थिक पार्ट है पेड़ का घना पार्ट वहां पर जाती है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है लिखा है ना शी थिकनेस एंड सेंटर स्टार्ट अब ये मशीन कौन सी है तो आगे पढ़ो ऑफ चिडरिंग्स एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स किस चीज की मशीन है ऑफ चिटरिंग्स अब चिटरिंग्स क्या है जैसे यहां पर चिरप एक वर्ड था बर्ड के साउंड के लिए चिटरिंग भी बर्ड के साउंड का ही वर्ड है यानी यानी बर्ड चिल्लाती है है ऑफ ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ट्रेमर विंग्स मतलब होता कांपना उसके विंग्स कांपने लगते हैं एंड ट्रिलिंग्स ट्रिलिंग्स का मतलब होता है हाई वॉइस काफी हाई वॉइस में वो बर्ड चिटरिंग करते हुए यानी चिरप करते हुए अपनी बर्ड वाली आवाज निकालते हुए अंदर घुसती है डेप्थ में थिकनेस में पेड़ के और 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 ऐसा जैसे वो करती है 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 पूरा पूरा का पूरा पेड़ यानी है और है, यानी कांपने लगता होता होता इस इंसिडेंट से ऊपर वाली लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है लिखा है ना एंड अ मशीन अप तो जैसे ही वो चिड़िया अंदर घुसती है पेड़ के थिकनेस में यानी मेन एरिया में घुसती है एक मशीन चालू हो जाती है कौन सी मशीन जिसमें चिड़िया आवाज कर रही है अपने विंग्स हिला रही है और यानी हाई वॉइस में आवाज कर रही है तो पूरा का पूरा पेड़ यहां पर हिलने लग जाता है और थ्रिल करने एक्साइटेड हो जाता है इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली अब यहां पे हर का मतलब है वो बर्ड तो ये एरिया जो है ना ये थिक एरिया जहां पर बर्ड जाके शोर मचाने लग जाती है ऐसा लगता है कि कोई एक मशीन चालू कर दी है और ये पार्ट को इंजन क्यों बोला गया थिक पार्ट को बीच वाले पार्ट को लगभग क्योंकि ये पार्ट में है उस चिड़िया की फैमिली लिखा है ना हर फैमिली तो उसकी फैमिली यानी उसके छोटे छोटे बच्चे वहां पर उसका घोसला होगा और सी इसका मतलब वो अपनी इंजन को फ्यूल देती है मतलब फ्यूल देना सिंबॉलिक मीनिंग है यार मतलब अपने बच्चों को खाना देती है तो वही हो गया अपनी फैमिली को अपने इंजन को फ्यूल देती है अपने बच्चों को खाना देती है देन फ्लट आउट टू अ ब्रांच एंड फ्लट का मतलब यहां पे वो नहीं है कि वो एक कौ से बात करने लग गई बाहर जाके इसका मतलब कि जैसे ही वो खाना दे देती है वो तुरंत ही बाहर ब्रांच की एंड साइड पे चली जाती है थिकनेस वाले पार्ट से बाहर चले जाती है ब्रांच के एंड पे देन पेन आउट यानी रीच आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क अब बैरेट क्या है बैरेट का मतलब होता है मार्ग स्पॉटेड तो बाहर आकर ब्रांच एंड पे दिखाती है शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क उसके फेस पे मार्क है स्पॉट्स हैं वही अपना स्पॉट दिखाती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि एक चिड़िया भी अंदर गई थी आइडेंटिटी मास का मतलब कि ये उसकी आइडेंटिटी है क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेड़ भी येलो है उस बर्ड जो काफी छोटी सी बर्ड है उसके पूरे फेदर्स भी येलो हैं तो वो पता कैसे चलेगा कि बर्ड बाहर आ गई है जब वो आकर एकदम ब्रांच के एंड पे टहनियों पे बैठती है और उसका फेस दिखता है जो स्पॉटेड है जो अलग कलर का है येलो से तब मालूम पड़ता है कि हाँ वो चिड़िया यहां पे आई थी उसकी आइडेंटिटी है उसका फेस देन नेक्स्ट लाइन्स पे आओ देन एरी देकेट विसल चिप स्प्रिंग्स सी लॉन्चेस ओवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट यानी इसके बाद एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज डेलीकेट का मतलब बहुत ही नाजुक विसल चिरंग्स जैसे ऊपर चिरप का मतलब भी साउंड था चिटरिंग्स का मतलब भी साउंड यहां पर भी विसल चिरफ विस्परिंग्स का मतलब साउंड विसल चिरप मतलब साउंड और विस्परिंग मतलब क्या होता है बहुत धीमी आवाज में बोलना तो फिर वो बहुत धीमी आवाज करते हुए विसल करते हुए बट बहुत सॉफ्टली बहुत डेलिकेट बोला गया है यानी बहुत धीरे-धीरे बोलते हुए, बाहर आ जाती है लॉन्च करती है अपने आप को उड़ा ले जाती है इनफाइनाइट यानी कहा जाती है ये किसी को वापस चले जाना, अपने पुराने स्टेज में तो जो लेबरनम था ना जो पेड़ था अपना वो वापस हो जाता है वापस खाली वापस उतना ही शांत जाता है तो इस पूरी पोयम में हमने देखा कि लेबेंडम टॉप जो येलो कलर का पेड़ है बिल्कुल शांत है फिर इसके मशीन कब चालू होती है जब वो चिड़िया आती है और बीच में थिकनेस में जाती है वहां उस मशीन का इंजन क्या है उस चिड़िया के बच्चे जिसमें वो फ्यूल डालती है यानी अपने बच्चों को खाना खिलाती है और फिर वापस आकर आसमान में चली जाती है और वापस बिल्कुल शांत रहता है वो पेड़ अगर इस पोयम की मॉरल की बात करें तो मॉरल यही है कि नेचर में एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब हम म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मिलकर रहे यानी एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं और मिलकर रहे जैसे ये पेड़ जिसके पॉइजनस सीड्स हैं वो बिल्कुल शांत पर जा रहा है जब चिड़िया नहीं आ रही है बट वो चिड़िया जब आती है तो पेड़ को एक लाइफ मिलती है वो जब चिटरिंग करती है जब आवाज करती है तो पेड़ थिर महसूस करता है उसी तरह वो लेबरनम टॉप वो पेड़ जो पॉइजनस है बट उस चिड़िया के लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि वहां पर उसका घोसला है वहां पर उसके बच्चे हैं जो सही सलामत वहां पर रह रहे हैं जिससे हमारे पोएट बोलते हैं कि वो उस पूरी की पूरी मशीन का मेन इंजन है अब इसमें हमने कई जगह देखा कि अलग अलग वर्ड्स हैं अब इन्हीं वर्ड्स का यूज करके ही तो बना है पोएटिक डिवाइसेस यानी क्या स्पेशल यूज किया है पोएट ने आओ ध्यान देते हैं और अगर तुमने पिछले वीडियोस देखी है तो याद होगा टेंथ की भी वीडियोस में तो मैंने बताया था कि जब भी ढूंढने जाओ लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस तो सबसे पहला चीज देखना है कि पोयम की राइट साइड पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जैसे देखो टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना कोई कॉमन कुछ और दिया है इन द आफ्टरनून येलो सनलाइट फिर एक कॉमा दिया है तो ये दो लाइन में जो ऊपर वाली लाइन है यहां पर राइट साइड पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है या कई में से तुम्हें मिल जाएगा इस के तो वो होता है enjambment. जहां पर पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए बट नहीं है तो वो स्टेज होता है इंजैमेंट तो यहां पर इस फर्स्ट लाइन में इंजैमेंट का यूज है देन सेकंड चीज तो मैंने बताई थी ये ढूंढने के बाद ढूंढो कि क्या कोई वर्ड अगल बगल है जिनके लेटर सेम है तो देखो नेक्स्ट लाइन में ही इन दफ्टरनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट एस एस मैच हो रहा है तो ये यह यहां पे है एलिटरेशन एलिटरेशन का मतलब जैसे एलिटरेशन में एल एल दो बार रिपीट है वैसे ही अगर कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब वहां पे एलिटरेशन है फिर उसके बाद नीचे आओ तो सिमिलरली एलिटरेशन और ढूंढो कहीं पर मिलेगा टिल दी गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग सीरअप नहीं है नेक्स्ट लाइन अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांचिंग सडननेस और स्टार्टलमेंट पास पास है बीच में कोई एक लेटर है कोई एक बड़ा उससे नहीं मतलब इग्नोर करो पास पास है तो यहां पर भी एलिट्रेशन होगा इस तरह और कहीं भी रिपीट हो तो एलिट्रेशन वहां पर होगा अब आगे आओ नीचे देखो देखो कहीं पर क्या कोई कंपैरिजन है जो अक्सर पोएट्स करते हैं किसी भी चीज को किसी भी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहां पर दो केस बनता है अगर इस तरह से कंपैरिजन है देन स्लीक एज अ लिजर्ड मतलब कि वो लिजर्ड के जैसी स्लीक थी मतलब स्मूथ थी अब यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है बट एज अ या फिर लाइक like, ऐसे कोई वर्ड्स लगा दिए जाए एज अ लाइक तो ये वर्ड जब लगाकर कंपैरिजन किया जाए तो वो होता है सिमिली बट अगर ये वर्ड्स ना हो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जैसे यहां पर देखो नेक्स्ट लाइन में उसी की सी एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप उसको मशीन से कंपेयर कर दिया गया है बिना कोई वर्ड यूज किए एज अ या फिर लाइक like, तो यहां पर होता है मेटाफर ध्यान देना नेक्स्ट आ आगे आओ जहां जहां पर भी मैंने बोला था कि यह होता है बर्ड का साउंड या मान लो मशीन का साउंड किसी भी चीज का साउंड है साउंड वाले वर्ड्स हैं जैसे चिर था एक जगह पर फिर चिटरिंग्स फिर नीचे आओगे तो यह विसल चिप तो यह सारी चीजें क्या है नो मोट यह मैं बोलता था स्पेलिंग याद करने के लिए तुम भी इस तरह से स्पेलिंग याद कर सकते हो इसकी कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ओना ठीक है काफी कॉम्प्लेक्स है यार ये सब कुछ तुम बस स्पेलिंग के लिए उल्टी पुलटी उंसियशन के साथ भी काम चला सकते हो फिर नीचे आओगे तो नोटिस करोगे कि इस पोएम के कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है कहीं भी राइम नहीं हो रही है तो ये कोई राइमिंग स्कीम यहां पर नहीं मिलेगी और पोएम हो जाती है समाप्त सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हुए हैं चाहे वो एमसी की हो पैसेज बेस्ड हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाकर ये पीडीएफ एक्सेस करो टेलीग्राम पढ़ लगे चैनल से या फिर वेबसाइट पढ़ लग से डॉट कॉम पे फ्री में नोटिफिकेशन छेड़ दो ये वीडियो समय फैला दो एनिमेटेड लेक्चर्स बाकी भी डले हैं जाकर देखो और फिर क्या अब जाना जा पढ़ ले